नमस्कार दोस्तों, वन इंडिया में मैं प्रशांत आप सभी का स्वागत करता हूं। दाएं हाथ के बल्लेबाज पृथ्वी शॉ लंबे समय से अच्छी फॉर्म का इंतजार कर रहे थे। फॉर्म में वापसी का इंतजार पृथ्वी शॉ को इसलिए भी था क्योंकि उनको भारतीय टेस्ट टीम से बाहर कर दिया गया था। यहां तक कि पिछले साल आईपीएल में भी वो रन नहीं बना पाए थे और फिर ऑस्ट्रेलिया दौरे पर एकमात्र टेस्ट मैच खेलने के बाद उनको प्लेइंग 11 से भी बाहर कर दिया गया था। अब पृथ्वी शॉ ने विजय हजारे ट्रॉफी में दोहरा शतक ठोक कर कमाल कर दिया है। दाएं हाथ के बल्लेबाज पृथ्वी शॉ ने विजय हजारे ट्रॉफी के एलीट ग्रुप डी राउंड 3 के मैच में पुडुचेरी के खिलाफ 142 गेंदों पर 27 चौकों और 4 छक्कों की मदद से दोहरा शतक पूरा किया। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 140.85 का रहा। पृथ्वी शॉ विजय हजारे ट्रॉफी के इतिहास में दोहरा शतक जड़ने वाले चौथे क्रिकेटर हैं, जबकि मुंबई के लिए ऐसा करने वाले वो दूसरे खिलाड़ी। उनसे पहले मुंबई की टीम के लिए 2019 के सत्र में झारखंड के खिलाफ यशस्वी जायसवाल ने दोहरा शतक जड़ा था। बतौर कप्तान विजय हजारे ट्रॉफी में दोहरा शतक जड़ने वाले पृथ्वी शॉ पहले कप्तान हैं, जबकि इस टूर्नामेंट के इतिहास में सबसे बड़ा स्कोर भी अब उनके नाम दर्ज हो गया है। पृथ्वी शॉ ने इस मैच में 227 रन बनाए। उनसे पहले संजू सैमसन ने विजय हजारे ट्रॉफी में 212 रनों की पारी खेली थी। ये सर्वाधिक स्कोर करीब 2 साल रहा, लेकिन अब इस पर पृथ्वी शॉ ने अपना नाम दर्ज करा लिया है। विजय हजारे ट्रॉफी में अब तक दोहरा शतक जड़ने वालों की सूची में संजू सैमसन, यशस्वी जायसवाल, के कौशल और पृथ्वी शॉ का नाम शामिल हो गया है। वनडे फॉर्मेट में दोहरा शतक जड़ने वाले वो 7वें क्रिकेटर बन गए हैं। उनसे पहले सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग और रोहित शर्मा ने इंटरनेशनल क्रिकेट में भारत की तरफ से दोहरा शतक जड़ा है, जबकि संजू सैमसन, यशस्वी जायसवाल और के कौशल ने विजय हजारे ट्रॉफी में दोहरा शतक जड़ने का कमाल किया। आपको बता दें, मुंबई ने पुडुचेरी के खिलाफ 50 ओवर में 457 रनों का स्कोर खड़ा किया। इस दौरान पृथ्वी शॉ ने 152 गेंदों पर 227 रनों की पारी खेली, जिसमें 31 चौके और 5 छक्के ठोके। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम स्पोर्ट्स अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया के साथ।